हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉस्टल को लेकर के बहुत सारी चीजें उठ करके आ रही हैं कि जस्ट लाइक गर्ल्स को हॉस्टल में पेरेंट्स की जरूरत है या नहीं है। इसके साथ साथ हम एक चीज और भी देखेंगे कि फीस हॉस्टल की और चार्जेस इसको लेकर के क्या चीज आखिर हो रहे हैं, कितना आपको पे करना होगा। तो इन दो सवालों पर हम लोग बहुत ज्यादा ही गौर करेंगे क्योंकि इसको लेकर के अभी तक आज जाकर के पार्टिकुलरली बात किया गया है और इस पे क्या रिजल्ट निकल के आया है इन सबसे बात करने के बाद। तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो को पसंद आई तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि क्या पेरेंट्स मैंडेटरी है इन JMI हॉस्टल फॉर गर्ल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे कि हाँ मेरे को अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, क्या करूं नहीं करूं एंड ऑल, ये सारी चीजें उठ करके आ रही थी। तो जैसा कि आज जाकर के आज पार्टिकुलरली बात किया गया और बात करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गए थे बात करने के लिए, तो इसमें DSW, प्रॉक्टर और जितने भी प्रोवोस्ट थे इन सब की ज्वाइंट टॉक हुई है। किसके साथ? तो स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइंट टॉक हुई है और ज्वाइंट टॉक में बात करने के बाद काफी लंबा डिस्कशन चला है। डिस्कशन चलने के बाद फाइनली जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज जो है वो तैयार हो गई है, बोली कि ठीक है कोई बात नहीं है। अगर किसी गर्ल्स के फैमिली मेंबर्स, ठीक है कोई भी हो सकता है गर्ल्स के फैमिली मेंबर्स, फादर मदर कोई अगर सपोज करते हैं कि बाई चांस वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो कोई आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि नहीं आपके फादर मदर को एकदम आना है ही, क्योंकि बहुत सारे फादर मदर हो सकता है किसी काम में फंसे हुए हों किसी वजह से, तो इट इज नॉट मैंडेटरी, एकदम मैंडेटरी नहीं है। उस मैंडेटरी नहीं है तो इसका क्या दूसरा कोई सॉल्यूशंस भी है कि अगर मैंडेटरी नहीं है क्या कोई भी आ सकता है, क्या आ सकता है? तो हाँ, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट उनकी जगह पे जिनको भी आपने लोकल गार्जियन के तौर पे चूज किया है वो लोकल गार्जियन यहाँ पे आ सकते हैं। लोकल गार्जियन आने का सेंस क्या है कि अगर आपने जिनको भी लोकल गार्जियन का नाम दिया है वो लोकल गार्जियन को आप यहाँ पे बुला सकते हैं, वो आकर के यहाँ पे आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको अपने फादर या मदर या जो भी हैं फादर मदर उन दोनों में से किसी भी एक से आपको वीडियो कॉल बात करानी होगी। तो ऐसा किनको किन के लिए कहा गया? तो छात्राओं के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये चीज कही गई है। अब दूसरी चीज, ये सवाल उठ के आता है कि क्या फीस ऑफ द हॉस्टल। तो इतने सारे लोगों से जब बात की गई प्रोवोस्ट वगैरह से एंड बाकी जगह से, तो बात करने के बाद क्या यहाँ पे नतीजा निकल के आया है? यहाँ पे बात ये निकल के आई है कि क्या आपको करना है, आपकी जो फीस लगेगी हॉस्टल फीस वो पूरे साल की नहीं लगेगी, कि पूरे साल का जो 15,000 के अराउंड का जो फी बन रहा था वो आपका 15,000 का आपका फी नहीं बनेगा, ठीक है। साथ साथ कितना आपको फीस लिया जाएगा, तो आपका जो हॉस्टल फी बनेगा वो आपका एक सेमेस्टर का, यानी वन सेमेस्टर की आपकी फीस लगेगी हॉस्टल की, यानी वन एक सेमेस्टर की आपकी फीस लगेगी। अब एक सेमेस्टर की कितनी फीस बनेगी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके साथ साथ आपका जो मेस चार्ज है, मेस चार्ज आपका कितना लगेगा? तो मेस चार्ज आपका 5 मंथ का, मीन्स कि टोटल आपको 10 मंथ के लिए वैसे आपको हॉस्टल असाइन किया जाता है अगर आप एक साल के लिए रहते हो। तो आपके लिए क्या होगा कि अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 5 मंथ का आपको मेस चार्ज लगेगा। तो JMI हॉस्टल्स के लिए अभी के लिए ये अपडेट था। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा JMI के हॉस्टल्स में जो फीस लगेगी वो कितनी लग सकती है, अराउंड अप्रोक्स, ठीक है। तो अगर मैं अराउंड और अप्रोक्स पे अगर मैं जाता हूँ तो जैसे कि आपके सामने ये हॉस्टल फीस आपको दिख रही है, तो ये हॉस्टल फीस क्या है? तो एडमिशन फीस 3,000 रुपीज है, तो ये तो वो तो लेंगे ही, इसमें कुछ आपकी वैसे कुछ होने वाली नहीं है गुंजाइश, ठीक है। उसके साथ साथ एडमिशन फी तो आपका ये लगना ही है। उसके बाद आपका हॉस्टल मेंटेनेंस फी जो आपका 3,000 है, हॉस्टल सर्विस ये आपका 2,000 रुपीज हो जाएगा, कॉमन रूम का चांसेस कम है कि वो 500 से कम होने जा रहा है, डेवलपमेंट चार्ज 500, किचन मेंटेनेंस ये 500 हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल फंक्शन मैगजीन ये आपकी फीस लगनी ही है, आइडेंटिटी कार्ड की आपकी फीस लगेगी, रूम रेंट 1,000 ये आपका 500 होगा, ठीक है। उसके बाद वाटर मेंटेनेंस ये आपका 2,000 आपका लगेगा, ये जो दो फीस है ये आपकी वापस हो जाएगी, रिफंडेबल है। तो नियर अबाउट अगर हम देखा जाए तो 8,000 के से 9,000 के अराउंड आपकी फीस लगेगी। अब हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत आपके कम हो सकते, और जो रिन्यूएबल स्टूडेंट है, ये तो मैंने बता दिया कि जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, न्यू अलॉटमेंट के लिए जो रिन्यूएबल स्टूडेंट है उनके लिए अराउंड 7,000 के करीब फीस लगेगी। तो
इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।